देश आगे बढ़ रहा था, देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए, हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए? दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है? अभी जो इतना स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि 60 साल के ऊपर ही वाले लगाएंगे, 45 साल से ऊपर वो जिनको कोमोर्बिडिटी है, बहुत ज्यादा वो किया हुआ है, सख्त किया हुआ है कि ये लगा सकता है ये नहीं लगा सकता, ये केवल ये एलिजिबल है वो एलिजिबल नहीं है। कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे, ये कोई अच्छा लगता है? एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए।